नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, से बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है, और पाम का जो साइज है वो रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो यहाँ पर इंडिकेट करता है हाई थिंकिंग अप्रोच को, हाई माइंडसेट को, एम्बिशियस टाइप की पर्सनैलिटी को। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम जैसी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। अब इस कंडीशन को कहते हैं फायर हैंड, जो कि एक इमोशनल और इम्पेशेंट टाइप के नेचर को और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं, क्योंकि हमेशा परिवर्तन करने की आदत या वैरायटी हमेशा अपने काम में अप्लाई करने की आदत, थिंकिंग में करने की आदत होती है। बहुत एम्बिशियस देखने को मिलते हैं, और इस कंडीशन में जैसे फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है, तो आप जैसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन को बहुत ज़्यादा ही हेट करने वाले होते हैं। किसी भी प्रकार की रुकावट, अड़चन या किसी से भी एक प्रकार से दबके या किसी के अंडर में काम करने की आदत होती नहीं है। तो इस कंडीशन में धीरे धीरे कर जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति, समृद्धि या हाई पोस्ट अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस ग्रोथ की आदत या इंडिपेंडेंट वर्क की आदत होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से या रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए जब शॉर्ट फिंगर होता है तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, और आपका शॉर्ट फिंगर भी है, थंब का साइज़ भी शॉर्ट है, तो थोड़ा आपका इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर यहाँ देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर जब प्योरली इंडिपेंडेंटली बिहेव करे तो इस कंडीशन में सुन सबके लेते हैं, करते आप अपने मन की हैं, और लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फ्लोर से ऊपर ही जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस सेंस, नॉलेज, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। स्पष्ट रूप से अपने बात को कहने सुनने की आदत होती है, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाते हैं, और जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन भी कर पाएंगे। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा ईगोइस्टिक, एम्बिशियस नेचर, अप्रोच और एज अ लीडर बहुत अच्छे काम करने के योगों को निर्मित करता है। कभी किसी प्रकार का जोखिम उठाने से आप जैसे जा तक पीछे नहीं हटते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर मर्ज है, इसीलिए आपका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगा, धार्मिक दानवीर किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर आपकी उत्पन्न इस कारण से रहेगी। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं के संकल्प फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अगर यहाँ पर ये तिल या मत्स्य है तो बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में लाइफ में सेटिस्फेक्शन कभी जल्दी मिलता ही नहीं है, और पैसा आएगा किसे, जाएगा किसे, ये भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो अगर ऐसा कोई भी इशू है, और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी काम एक मेहनत में नहीं बनता है, डबल ट्रिपल एफर्ट्स के बाद ही इस कंडीशन में फिर काम बनता है। ऐसे कुछ भी अगर इश्यूज से गुजर रहे हैं तो मुझे कंफर्म करें, ताकि इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडी सजेस्ट कर दिया जा सके। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप यहाँ क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट के निशाने होता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज जब शॉर्ट होता है तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और यव का चिन्ह भी ओपन है तो कंसिस्टेंट काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, रुक रुक करके या थोड़ा सा काम में परिवर्तन करने की आदत होती है। जहाँ थंब को जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर अप्रोच रहेगा, समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए डिसीजंस प्लानिंग्स में इजीली आप चेंजेस कर पाने में यहाँ सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट, पहली बात तो आपका डेवलप बिल्कुल ठीक है, इस कंडीशन में ये सांसारिक पारिवारिक सुख बहुत अच्छा देता है, और जुपिटर माउंट के ऊपर आपके स्क्वायर के साइन की अवेलेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज का ये साइन हो गया। मैरिज के बाद में जस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी 100% बढ़ता है, पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लक्की आपके लिए देखने को मिलेंगे, और घरेलू जीवन के रिगार्डिंग कोई शिकायत आप जैसे जातकों की नहीं होती है, सुख सुविधा भी अच्छी मिल पाती है, और इवन तमाम तरह के इच्छा मनोकामना घर परिवार की जो है उसको भी पूर्ण कर पाने में सक्षम होते हैं। बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है। इन सबको प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे जातकों को खाली बैठना पसंद नहीं होता है, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रखना, कुछ ना कुछ नया जो है नया सीखते रहना, नए विषय पर प्लानिंग करते रहना, प्योर एम्बिशियस नेचर अप्रोच प्लस जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। आपका जो बचपन रहा वो थोड़ा सा ट्रबलिंग पोजिशन में रहा हेल्थ के रिगार्डिंग, यानी उम्र तकरीबन 17-18 के आसपास तक, लेकिन उसके बाद में जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली तब जा कर के धीरे धीरे ग्रोथ, उन्नति, तरक्की आपके जीवन में मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे,
और ओवरऑल करियर के बिहाव पे भी देखने को मिल रहा है। तो जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं, तो प्योर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी, पावर पोजिशन अथॉरिटी, ये सब चीज़ें आपको 36 के एज तक आते आते मिल जाएगा। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि इस उम्र तक आते आते बहुत बड़ा प्रॉपर्टी भी आप अपने लाइफ में क्रिएट कर पाने में सक्षम रहें। सैटर्न के ऊपर आते हैं, तो सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, तो कभी किसी प्रकार के मेहनत से पीछे नहीं हटते। और बीच में जो ये देखा देख रहे हैं सैटर्न और जुपिटर के, इस कंडीशन में स्पिरिचुअल कनेक्शंस या बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। और अगर सामने किसी ने हाथ फैला दिया तो उसको खाली हाथ जाने भी नहीं देंगे। थोड़ा सा ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, यानी एकदम अंधविश्वास आपके अंदर नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी रहेगी। लेकिन ऐसा है कि जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो जब भी दान धर्म पूजा पाठ या एक प्रकार से अध्यात्म में कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, उन सब के माध्यम से कोई अगर इच्छा अरमान पेंडिंग है तो वो पूर्ण होने लगती है, किसी प्रकार का कष्ट परेशानी बाधा है तो वो दूर होने लगता है, और कोई इच्छा मनोकामना जिसकी पूर्ति नहीं हो रही तो वो भी होने लगता है। इसलिए आप जैसे जातकों को एडवाइस ये किया जाता है कि आप फॉरेन जो है ट्रेवलिंग यहाँ पर करें, लेकिन उसके पहले आप जो है दूर का जो पहाड़ का यहाँ पर यात्रा होता है धार्मिक, उसको करना ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर पहाड़ को और यानी और जो सैटर्न है वो एयर को इंडिकेट करते हैं, यानी कहीं दूर का धार्मिक यात्रा ऐसा करना चाहिए जो पहाड़ों पे स्थित हो। तो वो जब करते हैं तो बहुत बड़ा डिज़ायर एम्बिशन जस्ट सिर्फ यात्रा करने के दौरान ही कम्प्लीट होता है, और ये प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रॉन्गली देखा भी गया है। यहाँ पर देखेंगे आपके लक लाइन के विषय में, तो देख पाएंगे कि यहाँ जो आपकी लक लाइन है वो लाइफ लाइन से कंजंक्ट है, और एक मून की तरफ से भी रेखा आ रही है। तो लाइफ लाइन से निकली रेखा यानी खुद के मेहनत एफर्ट से लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन होती है, और मून लक लाइन जब होती है तो बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से भी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में लव मैरिज के चांसेस भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि खुद के इंटरेस्ट और दूसरे के भी इंटरेस्ट जो है लव अफेयर में आना या रिलेशन स्टार्ट होने जैसे योग निर्मित होते हैं। और इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब ये दोनों रेखा यहाँ पर मर्ज कब हो रही है, ये मर्ज हो रही है 28 के एज के आसपास में, और इसी पीरियड में आपकी जो मर्करी लाइन है वो भी क्रिएट होने लग रहा है, यानी इस उम्र में कोई ना कोई स्किल आपके अंदर या किसी भी काम के प्रति स्पेशलाइजेशन भी डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि ये लर्निंग को देन आफ्टर अर्निंग को देन आफ्टर गुड हेल्थ को इंडिकेट करता है ये जो मर्करी लाइन है। इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे कि आपकी लक लाइन धीरे धीरे कल के बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, और ये रेखा सीधे के सीधे हार्ट लाइन से कंजंक्ट होकर जुपिटर की तरफ झुक गई है। इसलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, टॉप पोजीशन, हाई अथॉरिटी वर्क करने के चांसेस आपके सामने अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है वो सेपरेटली हार्ट लाइन से भी निकली हुई है, जिसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं, और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व तो होता है, चाह करके भी कभी किसी का बुरा नहीं कर पाते। और इस रेखा को अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, जिसके तहत कभी जीवन में किसी प्रकार के सुख सुविधा संसाधन की कोई कमी नहीं होती। इसी के अनुरूप यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन है, और जब स्क्वायर का साइन सैटर्न पे होता है तो तमाम तरह के आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, कष्ट, घटना, दुर्घटना यानी एक्सीडेंट जैसी चीज़ों से बचाता है। प्रोटेक्शन का साइन है, इसलिए कभी वेल्थ में कोई कमी नहीं होती, डिजायर एम्बिशंस भी कंप्लीट होते हैं। एक से अधिक जब सैटर्न लाइन की अवेलेबिलिटी हो और वो भी वी सिंबल, तो इस कंडीशन में मल्टी मिलियनेयर बनने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो ग्रोथ है वो यहाँ पर सैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल का, लेकिन ध्यान रहे इसमें इन्वॉल्वमेंट मरकरी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मरकरी क्या इंडिकेट करती है, नॉलेज को, लर्निंग कैपेबिलिटी को और इंडिपेंडेंट वर्क को, यानी जो भी आपके अंदर स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन आगे चल के आने वाला है उसके बिहाफ पे आपको कहीं ना कहीं रिस्क ये लेना है कि आपको कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग काम जो है डेफिनेटली करें। अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली पैसा भी बढ़ेगा, रिस्क इसमें बहुत रहेगा क्योंकि सिक्योरिटी स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहेगी, लेकिन आपका जो लक है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप सिर्फ इंडिपेंडेंट वर्क करिए, आपको लोगों का सपोर्ट ऑटोमेटिकली जुड़ता चला जाएगा। आप किसी स्ट्रेंजर प्लेस में जाइए, अगर आपको खुद का लक आजमाना, स्ट्रेंजर प्लेस पे चल जाइए जहाँ पर आप कभी विजिट नहीं किए हुए हो और वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता हो, लोग खुद आकर के आपको सपोर्ट करने लगेंगे, अच्छा घर दिलाने लगेंगे या अच्छे जगह दिलाने लगेंगे, आगे से लेकर के एडवाइस गाइडेंस करने लगेंगे, क्योंकि आपका लक ही ऐसा है जिसमें आपको सपोर्ट मिलना है बहुत अच्छा लोगों का। दूसरा, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलना ही है, क्योंकि अपने दम पे जो काम करेंगे उसमें दूसरों के प्रोत्साहन, सहयोग, साथ के कारण उन्नति मिलेगी। और मरकरी यानी बिजनेस, तो बिजनेस में साइड बिजनेस भी इवन करेंगे तो उससे भी आपको असर दिख जाएगा, लेकिन इसका असर 28 के बाद में आपको आएगा। और इसीलिए मनी ट्रायंगल भी बन रहा है जिसके तहत पैसा बहुत अच्छा आता है, रुकता है और उसका सदुपयोग भी देखने को बहुत अच्छा मिलता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के बहुत प्रोमिनेंट चांसेस है, क्योंकि डबल जो लक लाइन है वो हर जगह देखने को मिल रहा है, माइंड लाइन पर भी, सैटर्न पर भी, इवन सन पर भी,
और यहाँ पर तो मरकरी लाइन है ही, तो पैसों की रिगार्डिंग कोई कमी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। ट्रायंगल का साइन जब भी होता है सूर्य के ऊपर, तो इस कंडीशन में सिक्योरिटी आप जैसे ज़्यादा अपने घर परिवार को दे पाते हैं, फाइनेंस के रिगार्डिंग और तमाम तरह की जो सिक्योरिटी होती है, फाइनेंस हो गया, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, हर प्रकार का सपोर्ट अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए आप जैसे ज़्यादा कुलदीपक बनते हैं। घर परिवार में सबसे ज़्यादा सुखी समृद्धि यार, इतने पावर पोजिशन इकट्ठा कर पाते हैं या इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट बिल्ड कर पाते हैं कि सिर्फ एक प्रकार से नाम के बलबूते पर काम बनने के योग निर्मित होते हैं। इसका भी सबसे अच्छा लाभ फॉरेन लैंड पर ही मिलता है, क्योंकि ट्रायंगल का जो साइन है वो देश विदेश या मल्टीपल सिटीज़ का काम डेफिनेटली करवा देता है, इसीलिए जो नाम है वो बाहर से कहीं ना कहीं प्रचलित या नाम जो है उन्नति के मार्ग पर आता है। सूर्य की जो रेखा बहुत स्ट्रांग है, सूर्य की रेखा जब इतनी स्ट्रांग होती है तो पंचुअल मैनेजमेंट बहुत अच्छी रखने वाले, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन जैसी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाने में और अपने काम को बहुत सही से अंजाम दे पाने में भी सक्षम होते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपके काम के प्रति उंगली नहीं उठा सकता है। सूर्य पर दिक्कत कहाँ से आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर रेखाओं की जो अवेलेबिलिटी एक तो बहुत ज़्यादा है और एक माइनर सा क्रॉस का भी साइन है, तो रेखाओं का ज़्यादा अवेलेबिलिटी होना बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, डिसीजंस ले नहीं पाते क्योंकि हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की जो है तलाश में रहना या इजीली इन्फ्लुएंस दूसरों के द्वारा होना, क्योंकि इमोशनल नेचर है तो उसके कारण अपने काम के प्रति सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते, तो ये थोड़ा करियर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस दे रहा है। दूसरा, जब क्रॉस का साइन होता है तो जिस चीज़ की विद्या ग्रहण की उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा कम होता है और काम के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी की कहीं ना कहीं भावना जागृत होती है, इसीलिए ये इशू तब तक रहेगा जब तक आप जॉब प्रेफर करेंगे और जब तक आप किसी के अंडर में काम करेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही टॉप पोजीशन अथॉरिटी में पहुंच गए या इंडिपेंडेंट वर्क किए तो ये क्रॉस का साइन क्या रिजल्ट देगा, ये आपको वेल्थ और यशस्वी योग को निर्मित कर देगा। यशस्वी योग एक वो योग होता है जिसमें सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल देखने को मिलता है, बहुत आलिशान घर बना पाते हैं, पिता का मान सम्मान इज्जत या घर परिवार का भी नाम इज्जत बढ़ा पाते हैं और खुद इतना अच्छा रुतबा या वेल्थ क्रिएट होता है कि पैसा देकर अत्यधिक काम कराते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है सिर्फ जॉब और बिजनेस के यहाँ पर प्रेफरेंस को अगर हम लेकर के चलें। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं और मरकरी माउंट के ऊपर एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को, हॉस्पिटैलिटी यानी सिंपैथेटिकल पर्सनैलिटी को, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बिजनेस सेंस एंड लक को, गुड कन्विंसिंग स्किल्स को, फिर यहाँ पर जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जो साइंस हुआ और जो कोडिंग हुआ, कोडिंग यानी कंप्यूटर, इसके रिगार्डिंग भी बहुत अच्छे इंटरेस्ट, नॉलेज को, इन सबको इंडिकेट करता है। तो मरकरी पे जब भी अत्यधिक रेखा होती है तो इतना अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होता है कि इजिली व्यक्ति कोई भी हो कनेक्ट कर पाता है, इसीलिए आप जैसे जातकों के जीवन में कभी भी धन की, काम की या लोगों की कमी पड़ती नहीं है और यहाँ पर रिलेशन भी बहुत ईजिली मेंटेन होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। नीचे की तरफ जब रेखा हार्ट लाइन से आए तो ये मातृभक्त बनाता है, अर्थात माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। और वहीं यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है उसमें सिर्फ एक जगह पर आइलैंड का फॉर्मेशन है और ये आपको 44 के एज के आसपास में हेल्थ रिगार्डिंग दिक्कत दे सकता है, किसी भी प्रकार का माइनर सर्जरी होने के चांसेस इस पीरियड में रहेगा 44 में और एक 54 के आसपास में। और उसके अलावा देखें तो हृदय रेखा यहाँ पर आपके सीधे निकलते हुए जुपिटर से कंजंक्ट जो इमोशनल नेचर को बिल्ड करता है और इस कंडीशन में दूसरों पर ईजिली ट्रस्ट कर लेना, एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा हो जाना, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना क्योंकि आपका नेचर है ही ऐसा, साफ साफ सुथरे दिल के हैं, छल कपट नहीं है तो सोचते हैं कि सामने वाले भी सब ऐसे ही हैं, हालांकि ये नेचर में कोई ख़राबी नहीं है, बट इसमें क्या हो जाता है, एक दिक्कत ये होती है कि जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है और वो टूटता है तो इमोशनल हर्ट बहुत बेहतरीन लेवल का हो जाता है। तो ये थोड़े चांसेस यहाँ दिखा रहा है, अभी तो नहीं लेकिन हाँ 35 जैसे उम्र में ये होने के थोड़े चांसेस हैं या उसके पहले भी होने के योग थोड़े दिखाई दे रहे बहुत हल्के से, इसीलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्ट करने से, डिसीजन लेने से आपको थोड़ा यहाँ पर बचना चाहिए। बाकी कुछ जैसे सीधी खड़ी रेखा तो ये वैसे ही प्रैक्टिकल या मनी माइंडेड करियर ओरिएंटेड आपको बनाएगा, आप काम में ही इतना उलझे रहेंगे कि आगे चल के कि आपको इमोशंस के रिगार्डिंग इतना डिस्टर्बेंस आएगा ही नहीं। माइंड लाइन के रिगार्डिंग जो भी स्ट्रेस है वो 18 के एज के आसपास तक दिख रहा है और एक यहाँ पर और दिख रहा है 21 की उम्र में। इस पीरियड में भी किसी भी कारणवश आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एनजाइटी, ये तीनों चीज़ें थी। मंगल का बहुत प्रोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है लेकिन रिलेशन के रिगार्डिंग ये स्ट्रेस दे देता है। फिर एक और आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है और ये पीरियड आपके जीवन में 33 से 5 का रहेगा। ये पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है मेंटल लेवल पे, बहुत ज़्यादा ही आपके पास जो है चैलेंजेस इस कंडीशन में आएंगे, कोई प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगा और फैमिली के रिगार्डिंग और करियर के रिगार्डिंग, दोनों के रिगार्डिंग स्ट्रगल कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको चलेगा। अभी के अनुसार बात करें यानी 24 के आसपास में,
तो 24, 5 एंड 6 ये तीनों एजेस ऐसे जिसमें प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, तो अभी तो आपको बिल्कुल ऐसा कोई चिंता करना ही नहीं चाहिए, बहुत अच्छा ग्रोथ सक्सेस है। 26 सेवन में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा आपको, और उसमें भी बहुत हल्का सा एक आइलैंड का यहाँ फॉर्मेशन है, बहुत माइनर सा, तो हल्का सा वर्क के रिगार्डिंग स्ट्रेस रहेगा, करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रहेगा 27 से 29 कि जो काम करें ठीक है कि दूसरे काम में हाथ आजमाएं, कि सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं नहीं चल जाएगा, या फिर कोई भी प्लानिंग को लेकर के एग्जीक्यूशन को लेकर के डिफ़िकल्टीज आएगी अभी आपको 2 साल में। लेकिन मेजर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मेजर इशू है वो 33 से 35 के मिड में है, फिर उसके जस्ट बाद में माइंड लाइन एकदम स्टेबल है, और उसके बाद में फिर कोई भी ऐसा मेजर इशू या ट्रबल है ही नहीं। माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को क्रिएट करता है, और इस कंडीशन में सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता यानी ग्रेसिपिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। आउटर मार्स में सिर्फ यही रेखा नहीं है, इवन बहुत सारी सपोर्टिव लाइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है जो कि करेज को बढ़ा देती है, इसलिए किसी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसलिए एग्रेसिव नेचर तो है लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन फिर इस कंडीशन में हो जाता है। लाइफ लाइन के ऊपर भी सेम सीनियर है, लाइफ लाइन के ऊपर जो पहली प्रोग्रेस लाइन निकल रही है बहुत स्ट्रांगली वो निकल रही है 27 एंड 8 के आसपास में, तो इस पीरियड में आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिज़ायर अपने फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या घर के रिगार्डिंग कर पाएंगे फुलफिल। फिर दूसरी प्रोग्रेस लाइन निकली है 36 में, तो इसमें भी ग्रोथ है। फिर यहाँ पर जो फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस या स्ट्रगल है वो अराउंड 32 से लेकर 34 के मिड में है, इसी पीरियड में आपको डिवाइन हेल्प भी आएगा। मंगल की ये रेखा क्या करती है कि ये रेखा भी हिम्मत को बढ़ाती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या रहता है कि मंगल जो है मेन कारक हो जाते हैं प्रॉपर्टी के भाई बंधुओं या दोस्त यार के, तो उनसे लाभ मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा क्रिएट होते हैं। डिवाइन हेल्प आपको सबसे अच्छा आएगा 32 और 33 के एज के आसपास में, और उसी पीरियड में सारे फैमिली इशू या ओवरऑल लाइफ के इश्यूज़ आपके ओवरकम होते देखने को मिलेंगे। जैसे ही 35 एंड 6 आपने टच किया वैसे ही लाइफ लाइन स्टेबल है और बाहर की तरफ झुकी हुई है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के प्रोमिनेंट चांसेस हैं। शुक्र की तरफ से रेखा आ रही है जो फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो वर्क है वो आपको ज़्यादा प्राथमिकता जो है आप उसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, इसीलिए सेटलमेंट आपको 100% फॉरेन लैंड में या बर्थ प्लेस से दूर है। इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। जब ये दोनों डेवलप्ड होते हैं तो आगे से रहकर के दूसरों की मदद करने की आदत हो जाती है, और शारीरिक गठन, मजबूती बहुत अच्छी हो जाती है। फोकस जब भी अच्छा रखते हो उस टारगेट को अचीव कर पाते, क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। मंगल आपका बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छी है, छोटी मोटी चीज़ों से कभी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट, चिंतित ना होए, लाइफ में बड़े गोल के ऊपर ही सिर्फ ध्यान रखें, क्योंकि मंगल जब एक्टिव हो जाता है तो छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हाइपरटेंशन, वरीज या समय ज़ाया हो जाता है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय ना लें। इंट्रोवर्ट नेचर यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो इस कंडीशन में इंट्रोवर्ट नेचर रखें, लेकिन कभी भी इमोशनली एक्सट्रीम लेवल का जो रिएक्शन एकदम से निकल दिमाग में चल रहा होता है उसको क्लियर कट सामने वाले को कह देंगे, तो भी ये मंगल आपको जो एनर्जी है वो आपकी ज़ाया होने नहीं देंगे। तो ये मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, इसको प्रॉपर यूटिलाइज आपको करना ज़रूरी है। शुक्र आपके डेवलप ठीक है, आपके अंदर थोड़ी कामुकता रहेगी, ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर की नीड ज़्यादा रहेगी। शुक्र जब एक्टिव ज़्यादा होते हैं तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी दूसरों के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन फील होता है। लग्जरीज, कंफर्ट के रिगार्डिंग इसीलिए आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाते क्योंकि शुक्र एक्टिव ज़्यादा है, तो शुक्र जब एक्टिव होता है तो इन्जॉयमेंट, जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस और प्लेजर के रिगार्डिंग पैसों को देखते ही नहीं है। जहाँ कुछ चंद रुपये से बात बनेगी आराम से ज़्यादा खर्च कर देंगे वहाँ पर, लेकिन वो प्लेजर, सेटिस्फेक्शन, इंटरनल पीस फुलफिल करना ज़रूरी है। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज दे रही है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, आपको फैमिली का इशू थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए फैमिली मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होए, और किसी भी प्रकार के अगर फैमिली मेम्बर में किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग इशू है तो उसको भी कभी हल्के में ना लें। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ना ही फैमिली लाइफ से एक प्रकार से अफेक्ट होना है, ना बहुत ज़्यादा इंगेज होना है। अगर ये मेंटेन हो गया तो शुक्र आपका ठीक है। शुक्र पर आड़ी रेखा तब भी आती है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक करने लगते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं, तो अगर आप इन सब चीज़ों से भी दूर रहें तो भी आपको शुक्र अच्छा रिएक्ट करेंगे, तो आपको प्लेजर की फुलफिलमेंट हुआ, जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस हुआ, ये सब देंगे। ये शुक्र बहुत अच्छा है तो फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज बहुत रहेगा। परफ्यूम के बिना घर से बाहर नहीं निकलना, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आना, यूनिक चीज़ें ही लाइफ में पसंद आना, हमेशा अपने आस पड़ोस का वातावरण बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखना, हमेशा कुछ ना कुछ नया लेने का लत लगा रहना, और इस कंडीशन में जब भी किसी फ्रेंड, कलीग्स, फैमिली मेम्बर के साथ बाहर जा रहे हैं, रेस्टो में, कहीं भी, तो पेमेंट करते समय पर्स सबसे पहले आपका निकलना, तो ये शुक्र की प्रधानता यानी रॉयल्टी को इंडिकेट कर रहा है।
केतु का पोजीशन ठीक है, ट्रैवलिंग का सौभाग्य मिलेगा, चंद्र भी विकसित ठीक है, तो खान पान घूमने फिरने का शौक भी बहुत रहने वाला है आपको। कला प्रेमी साहित्य प्रेमी रहेंगे और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन दो दफ़ा बना हुआ है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस में एंट्री लेने के। यह आपका लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन पहले अंदर की तरफ चल रही, फिर यहाँ बाहर की तरफ एकाएक ये होने लग गई, और अगर इस पीरियड को यहाँ पर जज करेंगे तो ये 28 का निकलेगा। तो इसी पीरियड से बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस ग्रोथ या सक्सेस मिल पाएगा। माइंड लाइन के एट द एंड बायफोर्क का साइन है, तो लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए होते हैं कि किसी भी तरह से अपने काम को निकलवा पाने में सक्षम होते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में होते हैं, किसी बात को गहन अध्ययन करने की सक्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, और जो भी स्ट्रगल स्ट्रेसेस है सब 35 के एज तक हार्डली है, उसके बाद में आपको नहीं मोस्ट प्रोबेबली रहेगा। और मर्करी लाइन देखिए यहाँ भी स्ट्रांग है, तो आपके अंदर बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ आगे चल कर के आएंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके करियर, बिजनेस या लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।